हेलो हेलो यूट्यूब, मेरा नाम अनुराग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुली ग्रेट। पहले तो सबको आप सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है थोड़ा इंटरेस्टिंग, और हम बात करने वाले हैं एक चैनल है स्मार्ट एंड फिट। उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जो कि उन्होंने बोला है कि दिस वीडियो इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, जहाँ पे उन्होंने देसी और यू नो फॉरेन रिएक्शन दिखाया है स्टेरॉयड यूज पर, पेप्टाइड यूज पर। उस पर हम थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से लोग इसके बारे में इतना ओपनली नहीं बोल पाते हैं। गाइज, हम एंटरटेनमेंट मजाक के तौर पे इस बात को तो जरूर कह देते हैं कि यार, लोग इतने खुले में आके क्यों नहीं बताते कि वो यू नो ये चीजें यूज करते हैं, लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश करी कि वो क्यों नहीं बताते हैं। तो हम वाई जो एक वर्ड है उस पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। और कोई हेट वीडियो नहीं है, कोई कोई किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं होगी। सिर्फ ये बात होगी कि ऐसा क्यों मुझे लगता है कि लोग ओपनली, खासकर हमारी कंट्री में, मैं अपनी कंट्री की बात करूंगा, इंडिया में, या फिर जो मुझे लगता है कि इन जनरल भी लोग नहीं बोलते हैं। ये मेरा वीडियो बनाने का आपसे मोटिव है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, पहले तो रैशनल माइंड से वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो गिव इट अ थम्स अप, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा प्यार दिखाइए। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ना मैं फॉर द मोशन हूँ, ना मैं अगेंस्ट द मोशन हूँ, मैं अपने व्यूज रख रहा हूँ। तो अगर आप इसको फॉर समझे, इसको आप अगेंस्ट समझे, ये मैं जनता पर छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि भाई हम कोई वर्डिक्ट देने वाले आदमी नहीं है, हम सिर्फ अपने व्यूज रखने वाले आदमी है। आई एम 35 ईयर ओल्ड टेलीकॉम इंजीनियर, मैं 14 साल से जॉब कर रहा हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और ठीक चल रहा है सब। वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव ये था कि मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ कि लोग यू नो कभी कभी बातों को ट्विस्ट करके घुमा के रख देते हैं, और जो व्यूअर्स होते हैं, जो उनके डाई हार्ट फैंस होते हैं, विदाउट क्वेश्चनिंग कि भैया ऐसा क्यों, इसके पीछे क्यों यू नो करा गया। आपको याद होगा कि गाइस, जब भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम मारा था, तो उन्होंने ये बोला था कि आप मकसद को मेरा जानिए कि मैंने ये क्यों करा है। तो अगर आप मकसद को किसी भी चीज से हटा देते हैं दुनिया में, तो फिर वो चीज यू नो बेकार हो जाती है। तो हम उस मकसद की बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है गाइस। तो पहले तो हम आपको, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने एक्चुअली यू नो करा, उन्होंने क्या क्या वीडियो डाली थी। छोटा सा एक मैं आपको प्रिव्यू दूंगा। जैसे मैंने बताया, कोई हेट वीडियो नहीं है, सिर्फ अपने व्यूज रख रहा हूँ, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये वीडियो उन्होंने गाइस डाली थी, और ये उन्होंने लिखा भी था कि दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। मैं यहीं पे से पॉज करूंगा। आई मीन, मैं ज्यादा ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सॉरी गाइस। मैं यहीं पे से पॉज क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन है, मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो थंबनेल था, उसमें उन्होंने विद्युत जामवाल की फोटो डाली, फिर वीडियो के अंदर उन्होंने अपने कंट्री के एक दो बॉडी बिल्डर्स को, जो कि नेशनल न्यूज पे है, जो कि एक न्यूज चैनल पे है, वहां पे उसे सवाल पूछा जा रहा है, ना कि किसी गली मोहल्ले का कोई यूट्यूबर उनसे सवाल पूछ रहा है, नेशनल टेलीविजन पे सवाल पूछा जा रहा है उनसे। आमिर खान हो गए, विद्युत जम्वाल की तो उन्होंने अपनी थंबनेल पे फोटो लगाई रखी थी, और फिर उन्होंने आई थिंक राहुल भट्ट को दिखाया, जो कि आमिर खान के ट्रेनर भी थे उस मूवी के लिए जिस 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 टॉपिक की बात हो रही थी। एंड देन फिर उन्होंने साहिल खान के बारे में भी बात करी, जो जिनका मैं बहुत बड़ा फैन तो नहीं हूँ, बट देन स्टिल उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने उनसे भी एक पूछा जा रहा था सवाल कि क्या वो लेते हैं ये नहीं लेते हैं, विच इज देखिए, इट्स अ पर्सनल चॉइस, अगर आप एडमिट करें या नहीं करें या डिनाई करें। पर मुझे जो लगता है जो कारण है इसके पीछे, ये लोग क्यों खुले में ये बात नहीं बोल पाते, उस पर हम बात करेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने लिखे हैं, कुछ कारण है जो मैंने लिखे हैं, किसी भी सीक्वेंस में नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, ग्राहक को जागना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कोई भी आपको कुछ भी सामान बेच जाता है, क्वेश्चन जरूर करिए उस चीज को, अपना दिमाग जरूर लगाइए। तो मैं अपना व्यूज रख रहा हूँ। पहली चीज जो मुझे लगती है, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर,
कल्चरल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इस चीज में, जो मुझे लगता है कि लोग जो खुल के इस चीज को एडमिट नहीं कर पाते हैं। क्यों लगता है गाइस? जिस जैसे हमारी इंडियंस की अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे हम रहे हैं, हम बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, हम को बहुत ज्यादा ये बताया जाता है वैल्यूज के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, हम बहुत ज्यादा उससे बहुत जुड़े होते हैं, बचपन से ही बहुत हमारा लगाव होता है। हम ऐसी हम यू नो ज्यादातर लोग जो मैक्सिमम मैं बात करूंगा ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सेक्स हो गया, सिगरेट हो गई, शराब हो गई, इन चीजों के बारे में बहुत ओपनली बात नहीं की जाती। जिनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए, बट कुछ टॉपिक तो आई मीन ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली थिंग्स विच आर इंजूरियस टू योर हेल्थ, जिनके बारे में लोगों को, या फिर ऐसी चीजें जिनके बारे में लोगों को पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, उसके बारे में लोग खुल के बात नहीं कर पाते। तो ऐसी कंट्री जहाँ पे इन ऐसा कल्चर जिसमें इन सब चीजों के बारे में ही ओपनली बात नहीं करी जाती, वहां पे अगर आप पीडीज की बात करेंगे जो कि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स हैं, जिनका पीछे ड्रग्स लिखा जाता है, जो कि आपको आर्टिफिशियली बॉडी में इंजेक्ट करने होते हैं या फिर आपको कैप्सूल टैबलेट्स की फॉर्म में लेने होते हैं, तो उसकी उसके बारे में कोई आदमी ओपनली बात कैसे कर पाएगा? पहली चीज तो ये। अब ये चीज हर इंसान के लिए लागू होती है, चाहे वो बड़े से बड़ा एक्टर हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान भी हो। दूसरा फैक्टर जो मुझे लगता है वो जरूरी है, दैट इज जो 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 मुझे लगता है वो है, दैट इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर दो कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स, उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं बहुत सारे फैक्टर्स में, एंड कल्चरल फैक्टर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, बट इसमें बहुत सारी और चीजें भी आती है, इसमें आपका माइंड सेट, इसमें आपकी आपकी आप किस डेमोग्राफी में रहते हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके कस्टम्स क्या है, आपका ट्रेडिशन क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो मुझे ये जरूर लगता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं तो उनकी अपब्रिंगिंग को आप अपनी अपब्रिंगिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। दे हैव दे आर वेरी वोकल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर नॉट, दे आर डेफिनेटली एडवांस्ड एंड देन अस इन फ्यू थिंग्स, हम उनसे कैचअप कर रहे हैं। आप देखिए हम काफी चीजें वहां से भी इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कैचअप ही कर रहे हैं अभी भी काफी चीजों में। मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि हम उनसे पीछे हैं, नॉलेज में मैं डेफिनेटली कई मामलों में बहुत अच्छे हैं, कई मामलों में हम भी अच्छे हैं। इंडियंस की जो खासकर एक एक बहुत इम्पोर्टेंट एक एक फैक्टर होता है उनका, जो एक जिसको हम कहते हैं कि एक टैलेंट होता है कि दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड सॉर्ट ऑफ, तो वो एक चीज बहुत एक हमें हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं हम, तो वो चीज हमसे हमें डिफरेंशिएट करती है। बट काफी सारे फैक्टर्स में, काफी सारे कल्चरल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हम उनसे बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, उनका रहने का ढंग, खाने का ढंग, बात करने का ढंग, उनका बहुत सारी चीजें हमसे मैच नहीं खाती है। तो वो डिफरेंसेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग हमारी कंट्री में खासकर इस चीज के बारे में वोकल नहीं हो पाते हैं। अगला फैक्टर है गाइस, वी आर इमेज कॉन्शियस पीपल, हम बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस हैं। इसका कारण भी यही आता है कि हमारी कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस, साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो ज्यादा तेज तक नहीं बोलते कभी कभी, क्योंकि हमें डर लगता है कि यार हमारा पड़ोसी आके तो ना बोल दे अबे भाई क्या कर रहा है भाई तू, क्यों चीख रहा है भाई तू, या फिर ऐसे लोग हैं जो हम कुछ गलत नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा पड़ोसी को सबसे पहले पता चल जाएगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, तो हम इस चीजों से बहुत ज्यादा डरते हैं। बट वी डेफिनेटली बहुत सारी चीजें टबू हैं जो नहीं होनी चाहिए, बट हम ऐसे ही हैं, राइट? वी आर लाइक दैट। मैं अब इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ ना, मैं इसको गलत बोल रहा हूँ, मैं जो आपको फैक्ट्स हैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगला पॉइंट जो है, जो कि आई थिंक ये स्मार्ट स्मार्ट एंड वाले भाई साहब भी मानेंगे कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। हमारी गाइस ऐसी कंट्री है जहाँ पे डेफिनेटली वी हैव वी आर ड्राउनिंग इन इंफॉर्मेशन बट वी आर स्टिल स्टार्विंग फॉर नॉलेज। अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर को भी देखेंगे जिसके बिलियन में सब्सक्राइबर, या फिर आप स्मार्ट एंड फिट वाले भाई साहब को देखेंगे, इनके भी बहुत सारे डायहार्ड फैंस और सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनके भी सवाल बहुत ही बेसिक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है वो बच्चे हैं, 16 साल से शुरू रहते हैं उनके, या फिर ऐसे लोग हैं जिनको चीजें पता ही नहीं है, वो ऐसे बस उनके सवाल क्या होते हैं, बेस्ट प्रोटीन पाउडर कौन सा है बॉडी बनाने के लिए, बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है बॉडी बनाने के लिए, बॉडी कैसे बनेगी, मैं क्या खाऊं। लाखों करोड़ों वीडियोस हैं इसके बारे में ऑनलाइन, लेकिन सवाल सबके एक ही होते हैं। तो स्मार्ट एंड फिट वाले भाई साहब, जब आपको पता है ये चीज कि लोगों के इतने बेसिक सवाल हैं, इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं जिस कंट्री में, अगर वहां पे अगर आप बड़े बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज अगर पीडीज के बारे में बहुत ज्यादा वोकल हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है उससे नॉलेज बढ़ जाएगी लोगों की पीडीज के बारे में? नहीं, उससे कंफ्यूजन बढ़ जाएगी।
एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा गाइस कि इंडिया की पॉपुलेशन इज मोर देन 1.4 बिलियन, 1.4 बिलियन आप जानते हैं। और अगर ये बात, ये शायद स्मार्टन पीपल भाई साहब भी एक्सेप्ट करेंगे कि न्यूट्रिशन के मामले में या बहुत सारे फैक्टर्स के मामले में हम अभी भी लैक करते हैं, बिकॉज देखिए हमारी जो, हमारा जो रहन सहन है, जो खाना पीना है, दैट इज मोर कार्ब डोमिनेंट। हम जैसे कि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात अब करने लगे हैं कि प्रोटीन डाइट में होना चाहिए, हेल्दी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, या फिर एक 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 कंप्लीट होलसम डाइट किस तरह बनाई जाए, ये बातें पहले लोग सोचते भी नहीं थे इसके बारे में, राइट? अब सोचने लगे हैं क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ गई है। तो जब हम इन चीजों पर अभी तरह से पूरे नहीं, उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे हम ये बोल सकें कि यार हमने वो प्रो लेवल अचीव कर लिया है, राइट? तो हम इन चीजों के बारे में, जो कि बहुत ही नाजुक टॉपिक्स हैं और जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल, एंड एंड लॉट ऑफ साइंस गोज बिहाइंड दीज थिंग्स एज वेल। एक तरह का सॉल्ट नहीं होता, आपको खुद पता होगा, हजारों तरह के सॉल्ट होते हैं, हजारों तरह के सॉल्ट, हजारों तरह से बॉडी में उनका इफेक्ट होता है, फिर उनको किस तरह यूज किया जाए, किस तरह साइकिल किया जाए, किस तरह, और उसके बाद सिर्फ डाइट भी किस तरह की ली जाए उस तरह, और क्या क्या उसके साथ आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्या क्या आपको चीजें करनी पड़ती हैं, ये सब समझाने के लिए आपको लगता है कि ये लोग समझ पाएंगे? गाइज अगर आमिर खान आके कल को बोल दे कि मैं ये चीज लेता हूँ, और उनके जो फैंस हैं, चाहे वो छपरी हो, चाहे वो नॉन छपरी हो, अगर वो चीज माने कि भैया वो दुकान में जाके कल को बोले मुझे ये चीज दो भैया, उसने वो चीज ली है विदाउट Knowing the basics, without, उनका उसका background देखे बिना, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? ऐसा लोग बहुत लोग कर देंगे, बहुत लोग कर देंगे ऐसा। मुझे अभी भी याद है शक्तिमान जब एक सीरियल आता था बहुत पहले, तो मुकेश खन्ना जी, रिस्पेक्टेड मुकेश खन्ना जी, उसमें एक कभी भी छत से कूद जाते थे, कभी वो शश करके घूम के घूमते थे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उनको कॉपी करने की वजह से उनको बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं, कुछ बच्चों की तो डेथ भी हुई है अनफॉर्चुनेटली। तो गाइज ऐसी कंट्री है हमारी जहाँ पे लोग फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो अगर आप उन चीजों के बारे में ओपनली बोल देंगे, एडमिट कर लेंगे, तो कोई प्राउड चीज नहीं है वो, प्राउड चीज नहीं है वो। जबकि ये लोग तो ये सब जो भी काम करते भी होंगे अगर लेते हैं तो सुपरविजन के अंडर लेते हैं। आपको लगता है यहाँ पे आप खुद ये बात बोलते हैं कि हमारे अच्छे ट्रेनर्स नहीं है, आपने आई थिंक वीडियो बनाई है ऐसी, राइट, कि अच्छे ट्रेनर्स नहीं है, अच्छे कोचेस नहीं है। तो भैया जहाँ पे कोचेस ही आप कहते हैं अच्छे नहीं है, वहां पे अगर ये लोग वोकल हो जाएंगे तो उन्हें कौन सिखाएगा ये चीजों के बारे में? अब इतना तो है नहीं कि वो पढ़ लेंगे, अगर वो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं चीजों के बारे में तो आपकी वीडियो तो देखते नहीं यूट्यूब में वो आके। चलिए एनीवेज, बहस करने वाली बात नहीं है। एक और फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना भी चाहूंगा, एंड आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि जो कि मुझे लगता है ये वेबसाइट अगर आप देखेंगे कभी, आप वेबसाइट जाएंगे वर्ल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी डॉट कॉम, तो गाइज ये देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड वर्ल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी डॉट कॉम, जो कि बताती है वर्ल्ड ओवर हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ रैंकिंग्स इसमें दिखा रखी है कि भैया ये हमारी वर्ल्ड हेल्थ रैंकिंग्स है, जिसमें मेल फीमेल बोथ, ज्यादातर बोथ फैक्टर्स इन्होंने लिया है, रेड का मतलब हाई है और ग्रीन का मतलब लो है। बोले तो मतलब ये बता रहा है कि जो कोरोनरी हार्ट डिजीज है वो किस तरह से इन कंट्रीज पे क्या क्या इम्पैक्ट डाला हुआ है, कितनी परसेंटेज आपको लगता है, क्या क्या रैंकिंग है इन चीजों में। इंडिया की अगर मैं बात करूंगा, इसमें और कंट्री की बात नहीं करूंगा, तो और कंट्री की और बुरी हालत है। इंडिया इज 61, 61 नंबर पे है इंडिया, जबकि ये ग्रीन दिखा रहा है बट स्टिल 61 नंबर पे है इंडिया। और ये कंट्रीज आप देख लीजिए यहाँ पे, इजिप्ट, जॉर्जिया, सूडान, अफगानिस्तान, ये वो, ठीक है, सीरिया, ये कोई कंट्री है एक 18 रैंक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि और ये पॉइंट मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, इसका रीजन मैं आपको बताया था, इसका रीजन ये है गाइस कि कोई भी आप पेप्टाइड लेते हैं, कोई भी आप परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लेते हैं, उसको अगर आप अब्यूज करते हैं, क्योंकि देखिए लिमिट आप खासकर सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको उस चीज की सही नॉलेज ही ना हो। अगर आपको सही नॉलेज ही नहीं है तो आप डेफिनेटली उसका कभी भी अब्यूज कर सकते हैं, गलत यूज कर सकते हैं। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये डायरेक्ट इनका लिंक होता है आपके हार्ट, आपके लीवर, आपके ऑर्गन्स पे किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो जिस कंट्री में इतने ज्यादा हार्ट डिजीजेस पहले से ही हैं बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजन, मैं ये नहीं कहूंगा इसका रीजन पेप्टाइड है, बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजन, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खाना पीने की का तरीका, राइट? एंड तो उस चीज में अगर आप इस चीज को भी एक ऐड कर देंगे तो कितना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप ये चीज खुद समझ सकते हैं गाइस, ठीक है? फूड लाइफस्टाइल मैंने बताया आपको, हमारा बहुत ज्यादा अलग है। उल्टा फॉरेन में तो मैंने देखा है, मैं जब एक दो बार गया हूँ बाहर, तो मैंने देखा है कि या तो आप बहुत ज्यादा फिट लोग हैं या फिर आप बहुत ज्यादा अनफिट लोग हैं। तो
एक्सट्रीम्स होते हैं वहाँ पे, बीच के लोग भी होते हैं मगर एक्सट्रीम ज्यादा होते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी बहुत ग्रेट नहीं है हमारे जितना, जो जबकि हम आजकल बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड हो गया, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हो गया, ऑर्गेनिक चीजें हो गई, हम ज्यादा इन चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बट एनीवेज चलिए ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला पॉइंट है गाइज डुप्लीकेसी। आपको पता है कि इंडिया की, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिया, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी आपको कि इंडिया की रैंकिंग, इंडिया रैंक इन इंडिया की, अगर मैं हेल्थ केयर इंडेक्स दिखाऊं आपको तो बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि इंडिया वन ऑफ दोस कंट्रीज है, लार्जेस्ट कंट्रीज है जो मेडिसिन को एक्सपोर्ट करती है बाहर। इंडिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बहुत ज्यादा मेडिसिन को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज है राइट। मेडिसिन की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, मेडिसिन की बात गाइस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कंपनीज जो कि होती हैं, जो कि क्योंकि ये भी जो पेप्टाइड होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, भैया ये भगवान से तो ऐसे तो टपकते नहीं है हवा से राइट, कि भगवान बोलते हैं लो प्रसाद लो, ये डेफिनेटली केमिकली बनाई हुई चीजें हैं, केमिकली इनको ग्रो किया गया है, बनाया गया है, तो ये चीजें वर्ल्ड वाइड बनती हैं राइट। और इसमें इस समय बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी भी फैल चुकी है। अगर मैं आपको सच बताऊं, अगर आप वीडियोस देखेंगे भी उन यूट्यूबर्स की, अगर आप पढ़ेंगे भी आर्टिकल्स, कि इसमें इतनी ज्यादा डुप्लीकेसी फैल गई, चाइना का इतना ज्यादा, ज्यादा ज्यादा तो माल तो चाइना का आता है स्टेरॉइड्स में भी, असली माल मिलना इतना मुश्किल है, और जहां पे पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, अगर वहां पे लोग इसके लिए वोकल हो जाए, अगर वहां पे लोग इसको बहुत एक कॉमन पैरासिटामोल की तरह बेचने लगे, क्योंकि पैरासिटामोल में भी अगर मैं सच बताऊं तो उसमें भी मिलावट होती है आजकल, तो कितने ज्यादा डुप्लीकेसी फैलेगी। वैसे ही लोग आधे गलत दवाइयों से मर रहे हैं, उसके ऊपर से ये भी गलत खाएंगे, जिसका मेडिकल यूज है, इन चीजों का मेडिकल यूज अलग है, इनका मेडिकल यूज अलग होता है, जहाँ पर डॉक्टर्स इनको अलग अलग जो HGH हो गया या फिर कोई और टेस्टोस्टेरोन बेस्ड स्टेरॉइड हो गया उसको देते हैं, TRT में भी यूज होता है वैसे तो, बट देन जब डुप्लीकेसी इतनी ज्यादा है तो सोचिए उसका कितना गलत इम्पैक्ट भी हो सकता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है। एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा जो कि है मीडिया। अब गाइज अब एक बात सोचिए, आमिर खान, यहाँ हमारी कंट्री जो है वहां पे ऐसा है कि अगर एक एक्टर रिसेंटली, अभी एक्टर आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको एक ड्रग कुछ केस में वो पकड़े गए थे और उसके बाद उनको कुछ टाइम के लिए कस्टडी में रखा गया, उनको जब पकड़ा गया तो वो चीज प्राइम टाइम में चली और महीनों तक प्राइम टाइम में चली, वो जेल में थे। ऐसी कंट्री जहां पे एक एक्टर अगर कुछ छोटा सा कदम उठा ले, वो प्राइम टाइम न्यूज बन जाती है, उसको मीडिया, उसका मीडिया ट्रायल किया जाता है, उसको क्रिमिनल बना दिया जाता है। उस कंट्री में अगर कोई आदमी आके ओपनली ये बात बोल देगा कि भैया मैं पेप्टाइड यूज करता हूँ, मैं स्टेरॉइड लेके बॉडी बना रहा हूँ, जबकि सिर्फ स्टेरॉइड से बॉडी नहीं बनती और फैक्टर्स भी है, मैं जबकि आपको बोल रहा हूँ, और ये काम ये लोग तो सुपरविजन में करते हैं, तो गाइस मीडिया क्या हाल करेगी उसका, गलत ही न्यूज फैलेगी और इनको फॉलो करने वाले लोग गलत ही वे में इंस्पायर होंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये वीडियो का तथ्य मुझे क्या रीजन था समझ नहीं आया, सही बताऊंगा आपको, वो जो उनके उनके जो पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स को दिखा रहे हैं, उनसे भी यार न्यूज चैनल ने पूछा जा रहा है सवाल, ये वो न्यूज चैनल में अगर ये बोल देंगे तो वो न्यूज चैनल वाला ही उनकी पहले लेना शुरू कर देगा। अरे कैसे लोग हो तुम, क्या ले रहे हो तुम, क्या जहर ले रहे हो अपने शरीर में, क्योंकि पता ही नहीं है क्या चीज है क्या नहीं है राइट। तो समझिए, और वो जो जिन अंग्रेजों की आप बात कर रहे हैं गाइज, वो कौन है, हॉलीवुड स्टार्स भी ये लेते हैं, बॉलीवुड स्टार्स भी ये लेते होंगे, लेकिन कितने ज्यादा हॉलीवुड स्टार वोकल है मुझे बताइए आप, वो भी 100% वोकल नहीं है, और मैं ये आपको बात दिखा भी सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वोकल नहीं है, वो होंगे वोकल, लेकिन इतने वोकल वो भी नहीं है गाइज, इतने वोकल वो भी नहीं है। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले, जिसमें कि था कि 5 सेलिब्रिटीज हु हैव बीन ओपन अबाउट स्टेरॉइड्स, आपका आर्टिकल है, आई थिंक ज्यादा पुराना आर्टिकल भी नहीं है वैसे, कि स्टार तो सारे नए हैं इसमें। जो रोगन जानते होंगे आप, कमेंटेटर हैं, बहुत बड़ा पॉडकास्ट भी चलाते हैं, कॉमेडियन भी हैं। तो इन्होंने बोला था, आई टेक टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ऑलमोस्ट 10 years। रोगन शेरोन एपिसोड पॉडकास्ट, तो इन्होंने ये बात बोली विच इज गुड, लेकिन उन्होंने और किसी चीज के बारे में बात नहीं करी, उन्होंने ये बोला कि मैं TRT लेता हूँ। TRT तो बहुत लोग इंडिया में भी लेते होंगे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इसको। अब
ड्वेन द रॉक, इससे बड़े स्टार तो कोई नहीं है हॉलीवुड में. आई थिंक ही इज द बिगेस्ट राइट नाउ, राइट? ही इज द बिगेस्ट. ऐसा नाम है जिसको बच्चा बच्चा जानता है. आई ट्राइड इट, लुक एट हिज वर्ड्स, आई ट्राइड इट. Johnson admitted in 2009 interview with MTV to promote his movie Race to Witch Mountain. Me and my buddies tried it back in the day when I was 18 or 19, didn't know what we were doing. तो उन्होंने ये बोला कि मैं लेता था. ये नहीं बोल रहा कि मैं ले रहा हूँ. आर्नोल्ड हो गए और ऊपर से मिकी रोर्क हो गए, एंड देन सिल्वेस्टर स्टालोन ने भी बात बोली थी कि मैं लेता था या करता था. तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी इसके बारे में वोकल इतना नहीं होगा गाइस, क्योंकि इसके नेगेटिव जो, अब कोई बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर अगर बोल रहा है, बॉडी बिल्डर को से आप सवाल ही पूछ रहे हैं कि वो तू लेता है लेता है, क्या पूछना उसे यार. माइक कोहन ने आज तक बोला कि वो लेता है, नहीं बोला ना, तो क्या फर्क पड़ता है. अब लोग कहेंगे कि बिग्रामी, तो बिग्रामी क्या ऐसी बॉडी बना लिया बनाएगा, अब नहीं बना पाएगा, पर वो डिनाई भी क्यों करेगा. लेकिन उससे तुम पूछोगे तो वो तो वही बेवकूफी क्यों पूछ रहे हो भाई, उससे तुम तो शरण लेता है, तो लेता ही होगा राइट. उससे पूछ के क्या करना तुम्हें, क्या उखाड़ लोगे. अब आमिर खान अगर लेता है लेता, तुम्हें क्या, तुम आमिर खान हो पहली बात, तो तुम ऐसे सुपरविजन में बॉडी बना रहे हो, तुम क्या मतलब सेफेस्ट मीन्स यूज करते हैं ये लोग, सेफेस्ट मीन्स, उसके बाद भी दिक्कतें होती है. इंडिया में इतने सारे एक्टर्स की डेथ रिसेंटली हुई है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. लोग तो कहानियां बना रहे हैं इसमें, लोग कहानियां बना रहे हैं कि एक्सरसाइज ज्यादा करता था, स्टेरॉइड लेता था. तो आप सोचिए अगर कोई ओपनली बात बोल देगा उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इनकी ये जो वीडियो है इसको मैं, इसका कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि मुझे इसका कोई तत्व ही समझ नहीं आया कि भैया किस किस बेसिस पे वीडियो बनाई गई है, कि लोग क्या ओपनली बोले अब कि भैया हम लेते हैं क्या ये लेते हैं. एंड वही बात विद जामवाल की, एक वो लगा देना फोटो आमिर खान के बारे में बोल देना, डजंट मेक सेंस गाइस. मेरा मतलब सिर्फ, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको मैं बता सकूं कि यू नो ये चीजें बहुत वोकल होकर नहीं बोली जाती, और ऐसा भी नहीं है कि इनको यू नो बंद कमरों में करना चाहिए. मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप जो जो मुझे लगता है पर्सनली कि आप यू नो वीडियो देखिए, वीडियो समझिए, वीडियो को जानिए, लेकिन ये चीज का ध्यान रखिए कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं, आप किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, किसके आप फॉलोअर हैं. और अगर आपको उनके पास कुछ गलत लगती है तो बहुत वोकल होके बोलिए, ये नहीं कि वो जो भी बोल रहे हैं उस पर हाँ 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 ही करते रहिए. मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था गाइस. थोड़ी बोरिंग वीडियो हो, लेकिन आई होप कि मैं अपने टॉपिक पे क्लियर हूँ. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो गिव इट अ थम्स अप. कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा गाइस, मैं किसी कारण कोई बुरी बात नहीं करना चाहता मैं. और मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप एक स्मार्ट कस्टमर बनिए. आप समझिए कि आपको क्या बेचा जा रहा है, क्या आपको उस पर एब्जॉर्व करना है, क्या आपको इम्प्लीमेंट करना है. पढ़िए, समझिए, जानिए, तभी उस चीज को इम्प्लीमेंट करिए. थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. अगर आई है तो गिव इट अ थम्स अप, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो अगर टाइम मिलता है तो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस.